हाय फैमिली, स्वागत है आपका द प्रॉपर्टी सफारी में। आज हम आपको लेकर आए हैं मोतियाज हार्मनी ग्रीन्स प्रोजेक्ट में। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन सनोली रोड पीर मुचल्ला में रहेगी, जो कि एडजॉइनिंग है सेक्टर 20 पंचकुला के। इस वीडियो में हम आपको 200 स्क्वायर यार्ड में बना 3 BHK दिखा रहे हैं। इसमें क्लब हाउस, जिम, योगा, मेडिटेशन सेंटर, कार पार्किंग, इंटरकॉम सिस्टम को इंक्लूड करके प्राइस 70 लाख रखा गया है। ये एक लो राइज के ऊपर बेस कॉन्सेप्ट है, जिसमें 4 फ्लोर हैं और ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग दी गई है। दोस्तों, ये है इस टाउनशिप की मेन एंट्रेंस, काफ़ी लग्जरी मेन एंट्रेंस है। साथ में 64 फीट आपको वाइड रोड दी गई हैं। सेंटर में ग्रीन डिवाइडर है और आपको स्ट्रीट लाइट भी लगा कर दी जा रही हैं, वो भी बोथ साइड। दोस्तों, यहाँ पर रेडी टू मूव 3 BHK के अलावा 3+1 BHK, जो कि 282 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है, वो भी मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर 400 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ 5 BHK भी अवेलेबल है। इस क्लब हाउस की सभी फैसिलिटीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। साथ में ये ग्रीन सिटिंग एरिया मिलेगा आपको। किड्स प्ले एरिया अलग से दिया गया है। ये हमारा किड्स प्ले एरिया रहेगा, जिसमें सभी झूले पहले से ही लगे हुए हैं और साथ में जॉगिंग ट्रैक भी है। ये एक वास्तु कंप्लायंट प्रोजेक्ट है, तो जो लोग डायरेक्शंस में बिलीव करते हैं उनके लिए ईस्ट फेसिंग फ्लैट भी अवेलेबल है। अब हम हमारा सैंपल फ्लैट चेक करने जा रहे हैं। ये है हमारी कार पार्किंग। आपको 1 कार पार्किंग इंक्लूडिंग दी जाएगी फ्लैट में। साथ में आप अपनी 2-व्हीलर भी खड़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको हाई स्पीड एलिवेटर, साथ में स्टेयर केस की एंट्री है। स्टेयर केस में MS रेलिंग लगी हुई है और उसी के अपोजिट 8 फ्लैट्स के लिए एक हाई स्पीड लिफ्ट दी गई है। ये है हमारा ग्रैंड एंट्रेंस के साथ सैंपल फ्लैट। आपको बायोमेट्रिक्स लॉक सिस्टम मिल जाएगा मेन डोर में। मेन डोर को ओपन करते ही आपको ड्राइंग रूम मिल जाएगा। आप अपने ड्राइंग रूम को भी इस तरीके से काफ़ी ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉल सीलिंग आपको एज इट इज़ दी जाएगी। AC के लिए प्रोविजनिंग करके दी जाएगी आपको। लेफ्ट हैंड साइड हमारा कॉमन वॉशरूम आ जाएगा, जो कि फर्स्ट बेडरूम से भी अटैच है। ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम, जिसमें फॉल सीलिंग आपको एज इट इज़ मिलेगी। ये हमारी प्लेन वॉल आ जाएगी और साथ में आप इस वॉल पर 55 इंच या उससे भी बड़ा TV लगा सकते हैं इजीली। और ये है हमारा फर्स्ट वॉशरूम, जो कि हमारे ड्राइंग रूम से भी अटैच है। ये एक फुल लेंथ आपको टाइल्स के साथ मिलेगा। वॉशरूम एज इट इज़ मिलेगा। जितनी आप फिटिंग्स देख रहे हैं, ये कॉलर और जैगुआर की ही मिलेंगी। आपको रूम के साथ 6 फीट वाइड बैल्कनी अटैच दी गई है। इस बैल्कनी से पूरी सोसाइटी का व्यू आपको दिखता है। ये हमारा मेन एंट्रेंस आ जाएगा। आप सोसाइटी देख सकते हैं। यहाँ पर 12 से 24 फीट जितना गैप रखा गया है सभी ब्लॉक्स में, इसीलिए काफ़ी ओपननेस आपको देखने को मिल रही है। बैल्कनीज में एंटी स्किड सिरेमिक टाइल्स का यूज़ किया गया है। फर्स्ट बेडरूम का साइज 13x10 का रहेगा। कॉमन वॉशरूम का साइज 5x9 का रहेगा। कॉमन वॉशरूम काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं उनके गेस्ट के लिए, तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। ड्राइंग रूम का साइज रहेगा 16x11 का। लेफ्ट में हमारा डाइनिंग एरिया आ जाएगा। इसका साइज 10x15 का रहेगा। आप डाइनिंग एरिया को इस तरीके से ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर सकते हैं। वॉल्स आपको प्लेन मिलेंगी, बट फॉल सीलिंग एज इट इज़ दी जा रही है आपको। आप इस तरीके से पार्टीशन का यूज़ करके इसको अलग से एक सेपरेट लुक दे सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम आप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका भी जो साइज़ है 12x10 का रहेगा। आपको वॉल्स प्लेन मिलेंगी, बट फॉल सीलिंग का वर्क एज इट इज़ दिया जाएगा। सभी इलेक्ट्रिकल स्विचेस लगे हुए हैं एंकर कंपनी के और ब्रांडेड फिटिंग है सारी। अलग से आपको लेफ्ट हैंड साइड पर कबर्ड्स मिल जाएंगे। आपको 3 कबर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। और हमारे राइट हैंड साइड पर आ जाएगा अटैच वॉशरूम। ये वॉशरूम आपको एज इट इज़ मिलेगा, फुल लेंथ टाइल्स के साथ। लाइटनिंग लगी हुई है, जैगुआर की फिटिंग करके दी जा रही है आपको। और इस तरीके से आप भी अपने बेडरूम्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमारा फाइनल थर्ड बेडरूम। इसका साइज़ है 10x12 का। इस तरीके से आप अपने थर्ड बेडरूम को ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर सकते हैं। साइड में TV पैनल लगाकर आप बेड को भी देख सकते हैं, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसमें स्विचेस लगा सकते हो आप भी अपने बेडरूम में, और लाइटनिंग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। AC की प्रोविजनिंग ऑलरेडी दी गई है। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको कबर्ड्स मिल जाएंगे। खोल के एक बार देख लेते हैं। इस तरीके से कबर्ड्स हैं, काफ़ी फुल लेंथ कबर्ड्स हैं। ये हमारा 5x7 साइज़ में बना हुआ वॉशरूम रहेगा। वॉशरूम आपको एज इट इज़ फुल लेंथ टाइल्स के साथ दिया जा रहा है। काफ़ी सेपरेट एरिया है और इस तरीके से आप अपने रूम को डिज़ाइन कर सकते हैं।
इस रूम के साथ भी आपको फुल लेंथ अटैच UPVC विंडो मिलेगी जिसमें मैश डोर भी लगा हुआ है। रूम्स में काफ़ी प्रीमियमनेस आ रही है, आप भी अपने रूम्स को इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम हमारा मॉड्यूलर किचन देखने जा रहे हैं। आपको डाइनिंग रूम के साथ अटैच मॉड्यूलर किचन मिलेगा। ये हमारा डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया के बिल्कुल फ्रंट में आ जाएगा हमारा किचन एरिया। मॉड्यूलर किचन है, एज इट इज़ आपको किचन दी जाएगी। आपको किचन में डबल सिंक मिलेगा, कबर्ड भी सॉफ्ट क्लोजर के साथ आएंगे, काफ़ी प्रीमियम कबर्ड इसमें यूज़ किए गए हैं। ओपन करते ही काफ़ी प्रीमियमनेस आ रही है, ये सॉफ्ट क्लोजर के साथ बंद भी हो जाएंगे इजीली। इन फ्लैट का सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसमें क्रॉस वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी है। ये फुल लेंथ UPVC विंडो ओपन हो जाएगी, 6 फीट हमारी बैल्कनी आ जाएगी। बैल्कनी से आपको बैक का व्यू आप देख सकते हैं, कितना ग्रीनरी एरिया दिया गया है। यहाँ पर आप अपना वॉशिंग एरिया भी लगा सकते हैं। यहाँ पर वॉशिंग के लिए अटैच आपको टैप मिल रही है, जहाँ पर आप वॉशिंग पर्पज़ के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा है और आप यहाँ पर एक फ्लैट लेने की सोच रहे हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।